कुछ हद तक के अपने अंदर वो चीज आ जाए तो हम भी एक इंसान बन जाए। दोस्तों, रफी साहब में जो इंसानियत थी, उनके पास कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं। उनके भजन आज भी मंदिरों में बजते हैं। दोस्तों, उनके लिए और रफी साहब के लिए मैं एक शेर अर्ज कर दूं कि ये अलग बात, खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं। और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा सिजरा, जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। हेलो दोस्तों, इंडियन सोशल मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, पिछले कई वीडियो मैंने अपलोड किया रफी साहब के कुछ वाकयात, तो दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को पसंद किया, मुझे कॉपरेट किया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मुझे बहुत खुशी होती है दोस्तों कि आपने रफी साहब को लाइक किया। मैं तो क्या है दोस्तों, मेरे कोई औकात नहीं है, रफी साहब की वजह से आप लोग वीडियो वॉच करते हैं, ये बिल्कुल 100% बात है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बस कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ तो आप लोग सुनते हैं, लेकिन रफी साहब को देखना, उनकी बातें सुनना, उनके वाकया सुनना, उनकी जो नेकियां हैं, उनकी जो गरीबों के साथ एक अच्छा सलूक जो रफी साहब का था, वो आप लोग बहुत पसंद करते हैं और कमेंट भी करते हैं, कमेंट भी बड़े लंबे चौड़े आप भेज रहे हैं। बहुत मुझे खुशी है कि आप लोग इतना वक्त निकालते हैं कमेंट लिखने के लिए। बस ये रफी साहब की बात है दोस्तों, तो ही आप लोग इतना ज्यादा वो करते हैं, वरना हमारी क्या औकात है। मैं जिक्र कर रहा था कमेंट का, तो कमेंट में कुछ लोगों ने दोस्तों ऐसी ऐसी स्टोरी भी डाल देते हैं रफी साहब की, जो जिसे देखकर सुनकर बड़ा अच्छा लगता है कि यार क्या कमेंट लिखा है लिखने वाले ने। उसी तरीके से हमारे एक व्यूअर ने हमें कमेंट किया दोस्तों, बहुत अच्छा कमेंट, तारीफ के काबिल है, जो रफी साहब की एक स्टोरी उन्होंने लिखी है, बहुत ही बेहतरीन है। मैं तो भाई को शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, थैंक यू बोलना चाहता हूँ उनको। और ये स्टोरी क्या लिखी है भाई ने, मैं आपको उसे आपके सामने पेश कर रहा हूँ। एक दफा का जिक्र है दोस्तों, रफी साहब ने नई अंपाला कार खरीदी। उस जमाने में दोस्तों अंपाला कार, जो आजकल की जो लग्जरी गाड़ियां हैं, जैसे WBM है, फोर्ड गाड़ी है, तो उसी तरीके से एक अंपाला गाड़ी थी, वो नई गाड़ी खरीदी रफी साहब ने। लेकिन दोस्तों उसकी जो स्टेयरिंग थी, उसकी लेफ्ट साइड स्टेयरिंग थी, हमारे इंडिया में जो राइट साइड स्टेयरिंग आती है, ड्राइवर ने कोशिश की चलाने में, उसे बहुत दिक्कत आई, यानी उसका नहीं, उसका हिसाब नहीं बैठ पा रहा था लेफ्ट साइड स्टेयरिंग में, क्योंकि उसे बहुत अजीब लग रहा था। राइट साइड स्टेयरिंग हमेशा इस्तेमाल करने वाला बंदा जो ड्राइवर होता है, वो लेफ्ट साइड में जरा सी बहुत ज्यादा उसको अजीब लगता है। तो रफी साहब ने एक ड्राइवर को ढूंढ निकाला जो लेफ्ट हैंड ड्राइविंग का माहिर था, तो रफी साहब ने उस ड्राइवर को उस कार पर ड्राइविंग के लिए लगा दिया। लेकिन रफी साहब के सामने एक सवाल दिमाग में उनके दौड़ रहा था कि मैंने कार तो खरीद ली और दूसरा ड्राइवर भी लगा ली, लेकिन इसकी रोटी रोजी पे आफत ना आए तो रफी साहब ने क्या सोचा दोस्तों मालूम? रफी साहब ने एक नई टैक्सी खरीदी 70,000 रुपये। वो नई टैक्सी जो पुराना ड्राइवर था उसको वो नई टैक्सी खरीद के रफी साहब ने दी, ताकि उसकी रोटी रोजी का मसला न पेश आए, उसके बाल बच्चों का जो पेट पानी चलता था उसका मसला न पेश आए। तो दोस्तों वो ड्राइवर ने आज की तारीख में, जो आज मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आज जो बम्बई में 12 टैक्सियों का मालिक हो गया वो ड्राइवर, जिसको रफी साहब ने एक टैक्सी खरीद के दी। तो देखिए दोस्तों, रफी साहब का जो बड़ापन आज के दौर में कोई कर सकता है क्या दोस्तों? इम्पॉसिबल, बिल्कुल कतई नहीं कोई कर सकता। रफी साहब अभी देखे होंगे आपने भी, जो पाकिस्तानी जो ये सिंगर है, तो उसका भी आपने देखे होंगे कि नौकरों के साथ क्या सुलूक, क्या बस सुलूकी। तो दोस्तों यही मैं आपको बोलना चाहता था, रफी साहब जो, रफी साहब की दिलेरी, रफी साहब की अच्छाइयां कोई बयान नहीं कर सकता दोस्तों। और भाई मैं आपसे कह रहा हूं कि आपने बहुत अच्छी स्टोरी भेजी, आपने मुझे अच्छा लगा तो मैंने ये वीडियो बना लिया। अगर आपके पास भी कोई स्टोरी है दोस्तों, एकदम जेन्युइन रफी साहब के ताल्लुक से कुछ अच्छी स्टोरी है उनकी जिंदगी के बारे में, उनके जिंदगी के वाकयात, तो आप कमेंट में लिख कर भेजिए दोस्तों, मैं जरूर उसे वीडियो में कन्वर्ट करके आपके सामने पेश करूंगा दोस्तों। हाँ दोस्तों, एक मैं नया प्रोग्राम अभी शुरू किया हूँ, आपकी मोहब्बत की खातिर, आपका जो उत्साह देख रहा हूँ मैं रफी साहब के ताल्लुक से, मैंने सोचा क्यों ना हर वीडियो में एक गीत का अंतरा रखा जाए जो आवाज रहे रफी साहब की, और वो गीत दोस्तों विदाउट
म्यूजिक रहेगा। तो लीजिए दोस्तों वो गीत सुनिए, उसका अंतरा सुनिए और उस गीत के जो बोल है वो उस पर गौर कीजिए। और आपको ये भी देखना है कि ये किस फिल्म का गीत है, इसके संगीतकार कौन है और इसके लेखक कौन है, आप कमेंट में जरूर लिखकर बताएं। दोस्तों रफी साहब के चाहने वालों के लिए मैंने ये स्पेशल शुरू किया हूँ। दोस्तों चलिए दोस्तों ये गीत सुनते हैं। मोहब्बत रास आए भी दिलों को बोझ लगते हैं, कभी जुल्फों के साए भी। तो दोस्तों आपने गीत का अंतरा सुना, काफी मजा आया होगा आपको क्योंकि रफी साहब की आवाज जो ठहरी। ये जो स्टोरी हमारे एक वीवर ने भेजी है उसे मैं आपके सामने पेश किया। उनके लिए और रफी साहब के लिए मैं एक शेर अर्ज कर दूं कि ये अलग बात, खामोश खड़े रहते हैं फिर भी जो लोग बड़े हैं बड़े रहते हैं, और ऐसे दुर्वेशों से मिलता है हमारा सिजरा जिनके कदमों में कई ताज पड़े रहते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो आपको देखकर और सुनकर? अगर आप रफी साहब के चाहने वाले हैं और आप रफी साहब की बातों को अपने अंदर लाना चाहते हैं कि कुछ हद तक के अपने अंदर वो चीज आ जाए तो हम भी एक इंसान बन जाए। दोस्तों रफी साहब में जो इंसानियत थी, उनके पास कोई भेदभाव नहीं, कोई जात पात नहीं, उनके भजन आज भी मंदिरों में बजते हैं। दोस्तों उनकी कव्वालियाँ, उनकी नात, उनके क्या कहा जाए दोस्तों, कितनी बातें कही जाए वो कम है। दोस्तों रफ़ी साहब के लिए बस रफ़ी साहब को वोट देना न भूले दोस्तों, और रफ़ी साहब की साइट पर जाइए और भारत रत्न देने में, दिलवाने में आपका एक योगदान रहे, आप वोट दीजिए दोस्तों। जाइए अभी और रफ़ी साहब की साइट पर, वहाँ पर आप रफ़ी साहब को वोट दीजिए ताकि रफ़ी साहब को 24 दिसंबर के रोज़ भारत रत्न अवार्ड मिल जाए। तो मिलता हूँ दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों और वोट फॉर रफ़ी साहब।